ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप के कॉन्सेप्ट। एंड जो गाइस ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा काफी क्रिएटिव एंड ऑसम होने वाला है। सो गाइस, वीडियो को अगर अभी तक आप सभी ने लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। बाकी चलिए गाइस, आज किस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले करना है क्या गाइस, आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गाइस, ठीक है, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना। बाकी गाइस, आप सभी को करना क्या गाइस, आप सभी को जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को अपने मॉडल को यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। तो गाइस मॉडल को मैंने यहाँ पे ले लिया है। एंड गाइस आपको यहाँ पे अपने मॉडल को लगाना कैसे गाइस वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। आप सभी को इस मॉडल को पहले अपने यहाँ पे मतलब जैसे ऐड फोटो यहाँ पे लेकर आओगे तो गाइस आपको इसमें थोड़ा सा मतलब इरेज वगैरह एंड गाइस यहाँ पे थोड़ा ग्रास के पीएनजी वगैरह बनाना है खुद ही। तो कैसे करना है गाइस मैं आप सभी को बता देता हूँ। आप सभी को यहाँ पे पीएनजी पे क्लिक करना है, इरेजर टूल में जाना है। इसके लिए गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, साइज को थोड़ा छोटा कर लेना है, ठीक है। एंड इसके बाद आपको हार्डनेस ओपेसिटी जो है यहाँ पे ये भी कम कर देना है। फिर गाइस आप सभी को यहाँ से क्या करना है, आपको नीचे से जो है गाइस कुछ स्टेप्स ऐसे इरेज करना है, ठीक है। तो गाइस ये जो है मतलब साइज अभी थोड़ा छोटा है, अभी हम इसमें साइज बढ़ा करके भी हमें इरेज करना है एक बारी, ठीक है। तो अभी हम क्या क्या करेंगे, हम थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं यहाँ पे एंड कुछ स्टेप्स इरेज करेंगे, ठीक है। बट गाइस अभी तो यहाँ पे आपको ज़्यादा खास लग नहीं रहा होगा यहाँ पे, बट अभी हम मैं बताता हूँ आप सभी को करना क्या है। आप सभी को यहाँ पे दोबारा से जाना इरेजर टूल में, यहाँ पे गाइस इरेजर का हार्डनेस फुल कर देना है एंड ओपेसिटी सॉरी साइज जो एकदम 1 तक कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आप कुछ स्टेप्स ऐसे पेंट करना है गाइस, ठीक है। जैसे कि मतलब कि ये होगा, इससे ये होगा कि गाइस जो मतलब कि आपके ऊपर जो ग्रास है वो आपके पैरों के ऊपर आ रही है, ठीक है। तो गाइस इसलिए आपको ये चीज़ करना है। एंड गाइस मतलब जितना हो सके उतना ज़्यादा आप सभी को एक चीज़ करनी है, ठीक है। मतलब कि मैं तो यहाँ पे थोड़ा इतना ज़्यादा करूँगा नहीं, बट इतना कर देना आप सभी को, मतलब कि आप देख लेना अपने हिसाब से आपको जितनी ग्रास चाहिए हो, मतलब जितना रियलिस्टिक दिखाना उतना ही ज़्यादा आपको पेंट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप सभी को वैसे इरेज करना है यहाँ पे एंड उसके बाद आप सभी को फिर मैं दिखाता हूँ आप इरेज करने के बाद। तो गाइस आप देख सकते हैं आप एकदम बिल्कुल ग्रास वाला फील आ रहा है हमारी फोटो में। तो अब क्या करना है गाइस, आप सभी को यहाँ पे अब जाना है जहाँ से आप सभी को ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को पहले तो लेना है गाइस पैरट का पीएनजी, ठीक है। एंड इसको लेने के बाद आपको फुल स्क्रीन करना है पहले तो इस टाइप से, ठीक है। फुल स्क्रीन करने के बाद आप सभी को फिर करना है आपको उसका जो है साइज है इसको आपको आगे की तरफ बढ़ा देना है एंड मॉडल के वो कुछ शोल्डर के पास यहाँ से रख देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आप सबको अभी फिर से दोबारा से जाना है ऐड फोटो में एंड गाइस यहाँ से लेना आपको फॉक्स का पीएनजी, ठीक है। ये वाला फॉक्स का पीएनजी लेना है एंड इसका साइज जो है कुछ इस टाइप से इतना रखना है आप सभी को। साइज कुछ अपने अकॉर्डिंग कि आपके जो बैक में जिसे आपको ले जाना है इसको, ठीक है। जो मतलब कि आपके रिजल्ट टूल के ऊपर जो ऑप्शन है उसके हिसाब से आपको बैक में ले जाना है एंड कुछ साइज जो है अपने हिसाब से रख लेना आप सभी को। एंड जो अभी पीछे की तरफ जो दिख रहा है फॉक्स हमारा उसको तो हम यहाँ पे इरेज करेंगे क्योंकि हमें पीछे एरिया में नहीं चाहिए। तो अभी हम इसको इरेजर टूल में जाएंगे एंड इसको हार्डनेस फुल कर लेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ से अच्छे से एकदम इरेज कर देंगे। तो यहाँ पे गाइस परफेक्ट है। अब गाइस क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे जो है फॉक्स का एक डुप्लीकेट करेंगे यहाँ पे एंड डुप्लीकेट करने के बाद आप सभी को फिर इसको सेम साइज में रख देना है एंड उसके बाद आपको यहाँ से जाना है एफएक्स वाले ऑप्शन में, इफेक्ट वाले में। एंड उसके बाद यहाँ से आप सभी को जाना है कलर्स वाले ऑप्शन में जैसे कि गाइस आपको दिख रहा है एंड उसके बाद जाना आपको इस ब्लैक एंड व्हाइट वाले में। इस पर पेंट एक बार टैप करना है एंड यहाँ पे आपको अमाउंट जो इसका जीरो करके एंड यहाँ पे मर्ज कर देना है। देन गाइस आपको नेगेटिव वाला ऑप्शन लेना है एंड उसके बाद डन कर देना है एंड इसको भी गाइस आपको बैक साइड में ले जाना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। एंड इतना कर देने के बाद आपको इरेजर टूल में जाना, दोबारा इन्वर्ट कर देना है एंड यहाँ से इरेजर लेके आपको जो बैक का एरिया पहले इसको इरेज कर देना है एंड उसके बाद आपको फिर करना है आपको यहाँ पे जो है साइज कुछ इतना रखना है, ठीक है। एंड इसका ओपेसिटी हार्डनेस कम कर लेना है एंड उसके बाद आपको फोटो को जूम करना है एंड उसके बाद गाइस जो ये मतलब कि हमारा जो फॉक्स है इसके फेस के ऊपर करना है। इससे ये गाइस मैं आपको इसलिए करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि गाइस जो आप मतलब पीछे से जो बैक लाइट आ रही है ना हमारे जो मतलब कि स्काई की जो बैक लाइट है गाइस वो मतलब इससे एक रियलिस्टिक लुक आएगा, मतलब कि ऐसा लगेगा कि हाँ मतलब कि जो है मतलब पीछे से बैक लाइट आ रही है और जो हमारे फॉक्स है उसके ऊपर पड़ रही है। तो इससे गाइस एक थोड़ा डेविल वाला लुक भी आ रहा है हमारे इसमें। तो आपको कुछ इस टाइप से ऐसे कर देना है एंड उसके बाद गाइस इसका ब्लेंडिंग मोड आपको स्क्रीन कर देना है एंड गाइस इसका एक डुप्लीकेट कर देना आप सभी को एंड इसको सेम उसी तरीके से बैक कर देना है, इसे मूव टू बैक कर देना है कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखिए एकदम काफी परफेक्ट लग रहा है। अब गाइस इसकी ओपेसिटी हम यहाँ पे थोड़ा कम कर लेंगे एंड गाइस इतना कर देने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, अब यहाँ पे कर देना आपको डन, ठीक है, डन कर देना है। अब गाइस आपको क्या करना है, आप सभी को थोड़ा सा यहाँ पे टूल्स में जाना है, फिर क्लोन टूल में जाना है एंड इसको गाइस थोड़ा सा यहाँ पे जो पैरेट का जो कुछ ये रह गया था यहाँ पे तो हम इसको इरेज कर लेना आप सभी को कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो एंड क्लोन टूल के ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो मैंने बना रखा है, उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। तो बाकी अब क्या करना आप सभी को, आगे गाइस आपको जाना है दोबारा ऐड फोटो में एंड गाइस यहाँ से आप सभी को लेना है ग्रास का पीएनजी, ठीक है। इससे मतलब कि ब्लर ग्रास का पीएनजी ब्लर है बिल्कुल, मतलब ठीक है, आपको सिंपली बस ऐड करके एंड ऐसे रख देना एंड गाइस काफ़ी रियलिस्टिक सा लुक आएगा इस पीएनजी से आपके फोटो में। तो आपको कुछ ऐसे रख देना है एंड उसके बाद गाइस आपको अब यहाँ पे अपनी फोटो को सेव कर लेना एंड इसमें करनी है हमें कलर कलेक्शन जो कि हम करते हैं लाइट रूम ऐप में। तो गाइस मैंने यहाँ पे फोटो को पहले से ही ऐड कर रखा है। तो आपको सभी को क्या करना है, आप सभी को जाना है लाइट वाला ऑप्शन में एंड इसका थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना है एंड जो इसका हाईलाइट है गाइस इसको आपको थोड़ा माइनस कर देना है एंड जो शेडो है गाइस इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है एंड जो है वाइट है इसको आपको थोड़ा सा माइनस कर देना है, ब्लैक है जो इसको थोड़ा सा कम कर देना है।
फिर गाइस आपको जाना कलर्स वाला ऑप्शन में, आप सभी को यहाँ पे थोड़ा वाइब्रेशन बढ़ा देना है, इसका टेम्परेचर जो है थोड़ा सा कम कर देना है ताकि थोड़ा सा ब्लू टोन आ जाए फोटो में। एंड जाना कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस कर देना है आप सभी को, एंड सैचुरेशन थोड़ा बढ़ा सॉरी ल्यूमिनस थोड़ा बढ़ा देना है। फिर जाना येलो कलर में, आप चाहो तो अपने ग्रास का कलर चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि गाइस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने मतलब कि आपको थोड़ा सा कलर टोन चेंज करके दिखा दिया है, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो या फिर आप वैसा भी रख सकते हो। फिर जाना आपको डार्क ब्लू में आपको उसका ह्यू चेंज कर सकते हो स्काई का, एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना, आपको यहाँ पर डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आपको जाना से कलर्स के नीचे वाले टूल में, कलर्स के नीचे जो टूल है आपको इसमें जाना है, एंड यहाँ पे थोड़ी सी क्लियरिटी इंक्रीज कर देनी है, एंड जो थोड़ा सा विग्नेट है वो डाल देना है। फिर नीचे आपको यहाँ पे ग्रेन माउंट मिलेगा, आपको उसको बढ़ा देना है, एंड चले जाना से इसके नीचे वाले टूल में, एंड फोटो जो शार्पनेस होगी आपको उसको इंक्रीज कर देना है, एंड जो नॉइस रिडक्शन होगा आपको उसको बढ़ा देना है, जो कलर नॉइस रिडक्शन होगा आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हो फोटो का रिजल्ट आप सभी के सामने। तो गाइस आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलेगा मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।